ओके सो आपका भाई फिर से ग्लो इफेक्ट के बारे में वीडियो लेके आ चुका है। तो आज मैं आपको ड्रीमिंग ग्लो सिखाने वाला हूँ जो आजकल इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है एंड इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल ही है। तो चलिए सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो बिना किसी बकवास के चलिए वीडियो पे चलते हैं। ओके सो आपको जिस भी क्लिप को एडिट करना है उस क्लिप को इधर कैपकट में ऐड कर लेना है एंड देन आपको पहले ये वाला लास्ट वाला उड़ा देना है, डिलीट मार देना है ये वाला। ये ऐसी क्लिप चूज़ करो कि जिसमें ड्रो ड्रीमिंग ग्लो इफेक्ट ऐड करे तो मतलब लगे कि नहीं एकदम परफेक्ट लग रहा है, ऐसे भी किसी में नहीं डाल देना चाहिए। तो कुछ ऐसा व्यू मतलब आप सिलेक्ट करो जैसे कि माउंटेन हो इस टाइप का तो एकदम परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको इधर जाना है इफेक्ट्स में एंड देन वीडियो इफेक्ट में जाना है। तो इधर आपको कलरलेस फ्लेस एक नाम का इफेक्ट है उधर क्लिक करना है। हाँ इधर पहले मैं म्यूट कर लेता हूँ क्लिप को। तो इसको पूरा ड्रैग करके लास्ट में ला देना है इधर तक एंड देन एडजस्ट में जाना है एंड स्पीड को एकदम माइनस कर देना है 0 पे एंड एटमोस्फियर को पूरा 100 एंड रेंज को अपने हिसाब से थोड़ी कर लेना 30 अराउंड तक तो सही लगेगी। एंड ग्लो को आपके अपने वीडियो क्लिप के हिसाब से इधर उधर कर लेना। मैं इधर 70 तक रख रहा हूँ। हाँ तो इतना सही लग रहा है, परफेक्ट इतना एकदम परफेक्ट दिख रहा है। एंड देन आपको ये वाली क्लिप पे क्लिक करना है एंड देन एडजस्ट में चले जाना है। अगर आपका व्यू एंगल मतलब ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है मतलब ग्रास एंड ये सब आ रहा है तो ग्रीन वाले पे जाइए एंड सेचुएशन को थोड़ा डाउन कीजिए ताकि ड्रीमिंग ग्लो इफेक्ट ज़्यादा सही से सूट करे वीडियो पे। तो मैं इधर 50 अराउंड रख देता हूँ, हाँ इतना सही है, और डन कर देता हूँ। एंड देन फिर से वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद इधर रेट्रो ब्लू सर्च करना है। तो इधर आ जाएगा ये वाला, तो इस पर क्लिक कर देना है एंड देन इसको ऐड कर लेना है, पूरे में ऐड कर देना है एंड देन फिर से इसमें एडजस्ट में जाना है एंड जो फिल्टर रहते हैं ना पूरा कम कर देना है एकदम 0। हाँ तो इतने तक इधर ऐसे कर देना है। तो देख सकते हैं अब कैसे मतलब एकदम ड्रीमिंग ग्लो दिख रहा है परफेक्ट, में थोड़ा डिसैचुरेटेड एंड परफेक्ट मैच हो रहा है इसमें वीडियो में। तो इतना सही है अपने वीडियो के लिए। अगर आपके वीडियो में कुछ ऊपर नीचे है तो फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना क्योंकि हर वीडियो में सेम सेटिंग नहीं रहता है। तो इधर में अगर आपके वीडियो में कुछ ज़्यादा मतलब फेड वेड ऐड करना है तो इधर एडजस्ट में जाइए देन ग्राफिक में जाइए, 3 डॉट क्रिएट कर दीजिए ऐसे ऐसे। तो ये वाला है सेकेंड वाला, उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे ना तो फेड आएगा मतलब। हाँ तो ऐसे फेड भी आप ऐड कर सकते हो, तो मैं नहीं ऐड कर रहा, मेरा वीडियो परफेक्ट है। हाँ तो इतना है, तो आप देख सकते हो परफेक्ट दिख रहा है। तो डन है, अपना एडिटिंग इधर खत्म हो जाता है। तो फिर वीडियो को इधर से आपको 1080p 30fps और रिकमेंडेड में सेटिंग में एक्सपोर्ट कर लेना है ताकि आपके वीडियो की क्वालिटी फटे ना, इन परफेक्ट क्वालिटी में इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सको। सो आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।